नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। गलती उसी से होती है जो कोशिश करता है, मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी जो दूसरे की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। क्या होता है, गलतियां हमेशा वही करता है जो मेहनत करता है और कोशिश करता रहता है। वरना तो निकम्मों से क्यों गलतियां हो रही हैं, वो जो दूसरों की देखते रहते हैं कि भाई इसने क्या गलती कर दी। हमेशा बच्चों में दो श्रेणियां होती हैं, एक गलती करने वालों की श्रेणी होती है, एक सबकी गलती देखने वालों की श्रेणी में रहते हैं। तो जो गलतियां खुद करते हैं, समझो वो मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ पा लेंगे। उन्हें एक दिन वो गलती कर रहे हैं तो उन्हें ये भी पता चल रहा होगा कि हम गलती क्या कर रहे हैं और वो अपनी गलतियों का क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे। लेकिन जो दूसरों की गलतियों को देख रहे हैं, उन्हें क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उनके अंदर बहुत सारे अवगुण और बहुत सारी गलतियां खुद ही विद्यमान हो जाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, गलतियां करनी है लेकिन अपनी मेहनत करते वक्त करनी है, अपनी कोशिश करते वक्त करनी है, ताकि उन गलतियों से आप अच्छी सीख ले सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। याद रहे, नहीं है पूछा है, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चक्षु नहीं है, लोचन नहीं है, अक्षी नहीं है या धात्री नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। बहुत कम बच्चे होते हैं, ऐसे कैसे चलेगा भैया इतने कम बच्चों में। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा, डी। धात्री जो होता है ये आंख का पर्यायवाची नहीं होता है। किसे कहते हैं वैसे, ये देख लेते हैं एक बार। युद्ध के लिए जो प्रशिक्षित और अस्त्र शस्त्र से सजे हुए सैनिक होते हैं ना, या सिपाही होते हैं, उनका जो एक झुंड एक समूह होता है, उसे कहते हैं धात्री। ठीक है, चक्षी, लोचन और अक्षी ये आंख के पर्यायवाची हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, आ जाते हैं एग्जाम में, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, पानी में कुछ गिर गया है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम चुनना है। कौन सा सर्वनाम है रेखांकित शब्द में, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा सर्वनाम है। चलिए आंसर ले लेते हैं, पानी में कुछ गिर गया है। क्या गिर गया है, हमें नहीं पता क्या गिर गया है। यदि पता होता क्या गिर गया है तो उस चीज का हम नाम लेते ना, मक्खी गिर गई है या कुछ अच्छी चीज गिर गई है। जो चीज गिर गई है हम उसका नाम लेते यदि हमें पता होता तो। यदि नाम लेते या पानी में मक्खी गिर गई है तो निश्चयवाचक होता, लेकिन हमने नाम लिया, क्या कहा है, कुछ गिर गया है, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, जब किसी पदार्थ या वस्तु का निश्चित बोध ना हो, निश्चित ना बताया गया हो कि क्या है, तब वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कुछ गिरा है, हमें नहीं पता क्या गिरा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है।
ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। ओ है, ए है या छ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐसा वर्ण बताना है जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाता हो। बोल के देख लीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। वैसे उन ध्वनियों को क्या कहते हैं जो कंठ और तालु दोनों से बोली जाती हैं? कंठ तालु ध्वनियाँ वे होती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के माध्यम से होता है। अब ऑप्शन हमारा सही होगा, पता है कौन सा? बी ऑप्शन, ए। ये क्या होती है? कंठ तालु ध्वनि है। ठीक है, एक और है जो कंठ ध्वनि तालु ध्वनि है। ये दोनों ए कंठ तालु होती हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। ये वाली ए और ये वाली ए दोनों कंठ तालु होती हैं। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे वर्ण हैं जो स्वर हैं, स्वर होते हुए भी कंठ तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए होमवर्क में प्रश्न है, सर स्वर जो हैं वो कौन कौन से हैं और कितने हैं, आपको कमेंट में लिखना है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाववाच्य का उदाहरण पूछा है। शेरनी बच्चों को पालती है, मुझसे चला नहीं जाता, राम स्कूल जाता है, शेर शिकार करता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा? भाववाच्य का पूछा है, भाववाच्य का। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर? भाववाच्य क्या होते हैं मैंने कल बताया था आपको, इसलिए ही मैं लेती हूँ ऐसे प्रश्न, ताकि जो कल बताया उसे आज पूछ सकूँ। जल्दी से बताइए अब क्या होगा आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं। शेरनी बच्चों को पालती है, शेरनी के अकॉर्डिंग लगी है पालती, तो क्या होगा? कृतवाच्य होगा। ठीक है, मुझसे चला नहीं जाता, से आया है, मुझसे भाववाच्य होगा, बिना देखे ही लगा दो, मुझसे से आ गया। मैंने कल बताया था, से आया हो या द्वारा आया हो या को आया हो, ये आए हों तो क्या होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, राम स्कूल जाता है, राम के अकॉर्डिंग लगा हुआ है तो कृतवाच्य है। शेर शिकार करता है, ये भी कृतवाच्य है। ठीक है, एक ही है इसमें भाववाच्य, मुझसे चला नहीं जाता। आशा करती हूँ आपको पहचानना आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है ये बताना है। पढ़ रहा था दे रखा है वाक्य और पूछा है इनमें कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या असामान्य क्रिया है। जल्दी से बताइए कि कौन सी क्रिया है। चलिए याद रहे, वाक्य नहीं पूछा है, क्रिया पूछी है, कौन सी क्रिया है। आंसर ले लेते हैं। चलो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, संयुक्त क्रिया है। कैसे है संयुक्त क्रिया, अब ये देख लेते हैं। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से मिलकर बनती है तो उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब दो दो क्रियाओं के संयोग से कैसे बनी है ये? पढ़ रहा है, एक तो पढ़ और एक रहा है। ठीक है, पढ़ रहा था। जैसे और भी शब्द हैं ऐसे, जैसे पढ़ने लगा, ये भी संयुक्त क्रिया है।
जैसे सोने लगा, ये भी संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अब और भी हैं बहुत सारे। से राम नदी में कूद पड़ा, तो कूद और पड़ा ये क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दो क्रियाओं के संयोग से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आप भी अधिक बोलते हैं या कम बोलते हैं ये मुझे नहीं पता भाई। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। मितभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं, वक्ता कहते हैं, वाचाल कहते हैं। जल्दी से बताइए, चलिए आंसर ले लेते हैं क्या होगा, क्या होगा आंसर। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अब देख लेते हैं जो बाकी ऑप्शन है इनको क्या कहते हैं, क्या पता एग्जाम में इनमें से प्रश्न आ जाए। मितभाषी किसे कहते हैं, जो कम बोलता हो, कम बोलने वाले को मितभाषी और ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल। ठीक है, और मृदुभाषी किसे कहते हैं, जो मीठा बोलता हो। भाई ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो मीठे बोलते हैं। ठीक है, आपके आसपास भी हों ऐसे लोग जो मीठे बोलते हों तो उनसे सतर्क रहिएगा, कड़वा बोलने वाले ठीक है। और एक क्या है हमारा, वक्ता है। वक्ता उसे कहते हैं जो किसी विषय को अच्छी तरह से स्पष्ट बोलता हो, उसे कहते हैं हम वक्ता। ठीक है, स्पष्ट बोलता हो, यदि कोई भाषण दे रहा हो अच्छी तरह से दे रहा हो तो क्या कहते हैं, भाई ये अच्छा वक्ता है नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये बताना है हमें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, किसका उदाहरण है। व्यंजन विपर्य का उदाहरण है, व्यंजन आगमन का उदाहरण है, व्यंजन लोप का उदाहरण है, या स्वर व्यंजनागमन का उदाहरण है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर देने के लिए आप पहले से ही स्वतंत्र हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। विपर्य, व्यंजन विपर्य किसे कहते हैं, किसी शब्द के स्वर व्यंजन या अक्षर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और दूसरे पहले स्थान पर आ जाते हैं। जो स्वर हो या व्यंजन हो एक उनको आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन विपर्य कहते हैं। ठीक है, ये वाराणसी का बनारस हो गया, इसे व्यंजन विपर्य कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, आप देख लेना ऐसे प्रश्नों को भी, और मैं वीडियो में करवाती रहती हूँ। निम्न में से प्रत्ययरहित शब्द है, बताना है हमें प्रत्ययरहित शब्द है। रहित का मतलब है जिसमें प्रत्यय नहीं है, ऐसा शब्द हमें छांटना है। जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। बाकी तीनों में प्रत्यय लगा हुआ होगा, एक शब्द ऐसा होगा जिसमें प्रत्यय लगा हुआ नहीं है, ऐसा शब्द छांटना है। यदि आप मेरी वीडियो रोज़ देखेंगे तो आपको फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इससे ही आपका एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। चलिए, लेकिन ऐसा तभी होगा तब आप वीडियो को रेगुलर देखेंगे।
फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ही जो मैं पढ़ा रही हूँ यही सब आपके लिए पर्याप्त होगा। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सही क्यों होगा ये भी एक बार देख लेते हैं। दुर्गुण, इसमें पूछा था प्रत्यय रहित, जिसमें प्रत्यय नहीं है, मतलब एक शब्द ऐसा भी था जिसमें प्रत्यय नहीं है, बाकी इनमें प्रत्यय हैं, तो दुर्गुण में क्या है? दुर् उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, प्रत्यय इसमें नहीं है। अब दर्शनीय देख लेते हैं। दर्शनीय में क्या है? दृश तो हमारी धातु है और अनिय प्रत्यय लगा हुआ है, दर्शनीय हो गया। अब भिक्षुक को देख लेते हैं। भिक्षुक में क्या है? भिक्ष तो हमारी धातु है और उक प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी प्रत्यय है। और इसमें क्या है कर्तव्य में? कृत तो हमारी धातु है, क्रय तो, और तव्य प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी प्रत्यय हो गया, ये भी प्रत्यय हो गया और ये भी प्रत्यय हो गया। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आपको आंसर देना है और इसका आंसर सबका सही होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है। वर्ण कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं या ध्वनि कहते हैं? भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। मुझे नहीं पता, आपको ही बताना पड़ेगा। जब आप कमेंट कर देते हैं तब मुझे पता चल जाता है आंसर, पहले से मुझे पता नहीं होता। चलिए आंसर ले लेते हैं। अब देखो कई लोगों ने कमेंट कर दिया है तो मुझे आंसर पता चल गया है। चलिए आंसर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? शब्द, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यदि प्रश्न हो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या है हमारी? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि प्रश्न हो भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है, तो शब्द है। यदि प्रश्न हो भाषा की स्वतंत्र इकाई कौन सी है, तो शब्द है। यदि प्रश्न हो भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, तो शब्द है। यदि प्रश्न हो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है, ठीक है। लघुत्तम सार्थक स्वतंत्र इकाई शब्द है, लेकिन एक चीज और शब्द के बारे में बता देती हूँ। शब्द सार्थक इकाई है, लेकिन सार्थक इकाई होते हुए भी वाक्य में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ज्यों का त्यों नहीं किया जाता, शब्दों को व्याकरण नियम के अनुसार परिवर्तित कर लिया जाता है, तब उसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। हाथी सबने देखा होगा, हाथी की पीठ पे जो आसन रखा रहता है, पूछ रहा है प्रश्न हमारा कि उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द बताइए। जल्दी से बताइए। जीन, काठी, हैदा या बख्तर, क्या कहते हैं उसको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हैदा कहते हैं। अब ये देख लेते हैं, जीन किसे कहते हैं? घोड़े की पीठ पर रखने वाली गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े की पीठ पे जो रखी रहती है उस गद्दी को जीन कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हैदा कहते हैं। और काठी किसे कहते हैं? घोड़े की पीठ पे जो गद्दी रखी रहती है उसको कसने की जो होती है उसे काठी कहते हैं। और बख्तर किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। लोहे के जाल
का बना जो कवच होता है, जिसे युद्ध के समय पहना जाता है, उसे हम बख्तर कहते हैं। ठीक है, ऐसा करती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत है महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसके ऑप्शंस भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। किस ऑप्शन को पता नहीं कब उठा के प्रश्न बना के पूछ ले, पता नहीं होता है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ऐसा कौन सा कारक है जो क्रिया का आधार बता देता है। अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है। जल्दी से बताइए कौन सा ऐसा कारक है। अपादान कारक में से विभक्ति आती है, इतने हम रिवाइज कर लेते हैं। संबंध कारक में की के विभक्ति आती है, काकी के। अपादान अधिकरण कारक में मैं पर विभक्ति आती है, संप्रदान कारक में के द्वारा विभक्ति आती है। ठीक है, विभक्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये सभी को पता होना चाहिए। अब हमारा अधिकरण कारक में क्या था, मैं और पर था। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। अधिकरण कारक में क्या था, विभक्ति मैं और पर। आधार किसको, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा हुआ, अधिकरण कारक। कैसे हुआ ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ। तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, डाल पर बैठा है। पर से ही तो पता चल रहा है हमें कि कहाँ बैठा है, वरना तो ऐसा होता तोता डाल बैठा है। इस पर को लगाने से ही तो पता चला है क्रिया का स्थान कि कहाँ बैठा है, क्रिया का आधार कि कहाँ बैठा है। तो क्या हो गया, ये अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अनावश्यक में कौन सा समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। अनावश्यक में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, वैभव समास है या न्याय समास है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा समास है। अनावश्यक क्या होता है, अनावश्यक जो आवश्यक ना हो उसे कहते हैं अनावश्यक। ठीक है, द्वंद समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक तो हाइफन लगा हुआ नहीं है, एक दूसरे के विपरीत भी नहीं है, और विग्रह करने पर और भी नहीं आ रहा बीच में। तीनों पहचान द्वंद समास की फेल हो गई। कर्मधारय समास, इसको विग्रह करने पर है जो नहीं आ रहा है, के समान नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या ये कर्मधारय समास होगा, नहीं होगा। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास होगा क्या ये, अनावश्यक। इन दोनों की लड़ाई है, अव्ययीभाव समास और न्याय समास की। चलिए जल्दी से एक बताइए, दो ऑप्शन हमने खत्म कर लिए हैं, दो ऑप्शन और बचे हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा इसमें, डी न्याय समास होगा। न्याय समास कैसे होगा आप ये भी देख लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद या पहले पद, पूर्व पद से मतलब होता है पहले पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द हो, जैसे शब्द कौन कौन से हों, ए ये लिख लेना आप, अन, ने या ना, ये वाले शब्द हों, जैसे नापसंद होता है, तो भी उसमें न्याय समास होता, वहाँ क्या होता है, न्याय समास होता है। ये चारों शब्द आपको लिख लेने चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ढेय और अणे क्या है।
क्या है ये, जल्दी से बताना है आपको, कैसे वर्ण वर्ण है ये? संयुक्त व्यंजन है, द्विगु व्यंजन है, द्विर्गुण होगा, द्विप्त होगा, द्विप्त। अच्छा, संयुक्त व्यंजन है, द्विप्त व्यंजन है, स्वर है या व्यंजन है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कौन से व्यंजन है? जल्दी से आंसर दीजिए, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं, धै और डै। कैसे शब्द हैं ये? चलिए आंसर ले लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? अरे क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है, द्विगुण व्यंजन है ये। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इन वर्णों को लिख लेना, व्यंजनों को लिख लेना कॉपी में, और उनके आगे लिख लेना द्विगुण व्यंजन, ठीक है, जिनमें दो गुण होते हैं वो द्विगुण व्यंजन होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर होते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के संयोग से जो बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, सुमित्रानंदन पंत की नहीं है पूछा है। कौन सी रचना है ऐसी जो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? गुंजन, वीणा, अग्निगर्भ या पल्लव? चलिए आंसर ले लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अग्निगर्भ जो है ये सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। वीणा, गुंजन, पल्लव ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अग्निगर्भ किसकी रचना है ये देख लेते हैं। महाश्वेता देवी की रचना है ये, महाश्वेता देवी की रचना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, ने प्लस हलंत वाला मैं है और प्लस र है, ये कह रहा है कि मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? आपको बताना है कि इन तीनों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, आप इन ऑप्शंस में से देख के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए, फिर आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नम्र, ठीक है, मैं के बाद रह है तो नम्र होगा, ठीक है, ना नैम से रह निकलेगी, ना मैं के ऊपर रह उड़ेगी, ना नमन होगा, क्या होगा? नम्र होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुस्वार शब्द है, निम्नलिखित में अनुस्वार शब्द पूछा है, कौन सा अनुस्वार है आपको ये बताना है। चंचल जंगल, मंथर ग्रंथ, चांद सांप, शोभा आभा, कौन सा ऐसा शब्द है जो अनुस्वार है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर ले लेते हैं। चलो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमने क्यों सही नहीं किया, वैसे तो सही करते, लेकिन ये मंथर ऐसे लिखा होता और ग्रंथ ऐसे लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन क्या है कि इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ है। अनुस्वार ये वाला होता है हमारा अनुस्वार, और ये वाली होती है हमारी चंद्रबिंदु अनुनासिक, ये क्या है? अनुनासिक हैं।
ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, चंचल और जंगल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, लोकोक्ति का अर्थ पूछा है, क्या अर्थ है इसका 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे। अधिक व्यक्ति होने से काम कम बिगड़ना, काम बिगड़ना, अलगाव की स्थिति, खराब खाना बनाना, आवश्यकता से अधिक सामान का होना, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अलगाव की स्थिति, मेल से ना रहना, ऐसे ये भी कह देते हैं, मेल से ना रहना, अलगाव की स्थिति। ठीक है, 8 कन्नौजियां हैं और चूल्हे 9 हो गए हैं, घर में लोग कम हैं और चूल्हे ज़्यादा हैं, मतलब क्या है, अलग अलग होने की स्थिति है, अलगाव की स्थिति है, मेल से नहीं रह पा रहे हैं लोग। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है जगत प्लस ईश जगदीश में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सी संधि है जगत प्लस ईश में? चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जगदीश शब्द में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा मृषण शब्द का विलोम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बहुत बार आया है, मृषण शब्द का विलोम, सुकुमार है, चिक्कड़ है, रुद्रुक्ष है या असरण है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आंसर देने से पहले ये जान लेते हैं मिश्रण का अर्थ क्या होता है, मिस मिश्रण ये कहते हैं चिकना या मुलायम, उसके लिए मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब इसका जल्दी से विलोम बताइए क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रुक्ष। ठीक है, रुक्ष किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं, निरस निरस और रूखा, इसे कहते हैं रुक्ष। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द आपको छांटना है, कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। सेशन को शेयर कर दो सभी लोग, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना, और आपको सेशन कैसा लगा ये कमेंट भी ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका, अंतर्ध्यान बिल्कुल ठीक है, अनुग्रहित बिल्कुल ठीक है, अधीन बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, आध्यात्म आध्यात्म नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है, अध्यात्म। ठीक है, आ का डंडा इसमें नहीं लगता है, यह अशुद्ध है। इतनी देर तक सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।